हेलो एवरी मैन वेलकम और वेलकम बैक टू एंडर मैं हूँ अंशल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट योर एस जी पी जी आई एग्जाम सो सिक्सटीन ऑफ जुलाई को आपका एस जी पी जी आई लखनऊ का एग्जाम है एडमिट कार्ड सब ऑलरेडी बिन रिलीज तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं तो अगर आपका सेंटर आपकी सिटी से किसी दूसरी सिटी में आया है मेक श्योर यू रीच दैट प्लेस वन डे बिफोर योर एग्जाम ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे भागना ना पड़े या फिर आपको कन्वीनियंस की दिक्कत ना हो ठीक है सेकेंडली बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी है तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेक श्योर दैट यू हैव योर ओरिजिनल आई डी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो भी आई डी आपने यूज करी थी उसको लेके जाए ठीक है सेकेंडली एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर रखें ऑल तो पूछा नहीं जाता है बट फिर भी ठीक है सेकेंडली यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है और उसका पैटर्न क्या रहने वाला है एसजीपीजीआई so, का एग्जाम जो होता है इट इज फॉर हंड्रेड मार्क्स और यहाँ पर दो घंटे का टाइम आपको मिलता है विच मीन वन ट्वेंटी मिनट्स फॉर हंड्रेड क्वेश्चन अब ये हंड्रेड क्वेश्चन कैसे डिवाइडेड होते हैं यहाँ पर आपके सिक्सटी मार्क्स का नर्सिंग पोर्शन होता है एंड फोर्टी मार्क्स का नॉन नर्सिंग होता है तो सिक्सटी मार्क्स का जो नर्सिंग होता है उसमें आपकी क्लिनिकल सिनारियो आपके वन लाइन क्वेश्चन ये सभी चीजें मिक्सअप होती है और जो फोर्टी मार्क्स का नॉन नर्सिंग पोर्शन होता है वहाँ पर टेन मार्क्स का जनरल इंग्लिश टेन मार्क्स का मैथमेटिक्स टेन मार्क्स की रीजनिंग और टेन का जनरल नॉलेज होता है इन चीज़ों को ध्यान में रखें इंग्लिश के लिए यू कैन गो फॉर एंटोनम्स सिनोनिम ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं सेंटेंस में अगर कोई करेक्शन करना है ऐसे क्वेश्चन होते हैं ठीक है मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपका जनरली uh, जो जनरल मैथमेटिक्स होती है रेशियो प्रपोर्शन ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं रीजनिंग में आपके डायरेक्शंस uh, हो सकता है टाइम uh, पूछ सकता है क्लॉक से क्वेश्चन आ सकते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर uh, में अरेंज करने के क्वेश्चन आ सकते हैं ये सब चीज़ें एक बार देख के चले जाएँ जनरल नॉलेज तो बहुत वास्ट होता है तो उसमें भी आप मतलब ये है कि जितना भी पढ़ें वो कम है सो जनरल नॉलेज में बेसिकली अगर आप करेंटली देखना चाहते हैं तो रिसेंटली जैसे अभी कैबिनेट चेंज हुआ है वो आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन हैं वो आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल रहेगा ठीक है बट जितना हो सके अपनी नर्सिंग पोर्शन पे भी फोकस करें और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि यहां पर 40 मार्क्स का नॉन नर्सिंग पोर्शन है तो आप ये सोच के तो बिल्कुल मत जाएं कि अगर आप सिर्फ सिक्सटी क्वेश्चन नर्सिंग के अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नेगेटिव मार्किंग होती है इस पेपर में सो so यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अगर आप सिक्सटी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट इज नॉट श्योर की वो सिक्सटी के सिक्सटी क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे सो नॉन नर्सिंग को भी स्किप ना करें फोर्टी मार्क्स आर वेरी क्रूशल फॉर योर सिलेक्शन तो यहाँ पे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं

जो आपको थोड़े से लग रहे थे कि डाउटफुल है बट आपको आते हैं कहीं आपने पढ़े हुए हैं एंड यू नो द आंसर थर्ड टाइम आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं जैसे ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हो गए बर्न कैलकुलेशन के क्वेश्चन हो गए फ्लूड कैलकुलेशन ये सब चीजें उसके बाद नेगेटिव मार्किंग से बचने का जो ट्रिक वो आप हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो तो गो फॉर दैट क्वेश्चन क्योंकि वहां पे आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी फिफ्टी फिफ्टी है बट इफ़ यू आर कन्फ्यूज बिटवीन थ्री और फोर ऑप्शन इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि प्लीज उस क्वेश्चन को अवॉइड करें जस्ट लीव दैट क्वेश्चन क्योंकि वहां पर आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं सो दिस वॉज ऑल फॉर योर एस डी पीजीआई एग्जाम ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल आर डियर स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग एंड कीप फेथ इन योर सेल्फ दिस असेंशियल साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ एन प्रेप थैंक यू सो मच